जैसे आप जानते हैं, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर 4,000 किलोमीटर चले, और जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है देश में, इसके खिलाफ हम यात्रा की। यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, बाकी प्रदेश से आए, और कहा देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा कर दी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर दी, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, आपको यहाँ से भी करनी चाहिए। तो इस साल हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, और इसमें हमने एक शब्द न्याय का लिख दिया है, ऐड कर दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। पांच तरीके के अन्याय हो रहे हैं, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं, सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है, 50% रिजर्वेशन कैप का, किसानों के खिलाफ अन्याय, और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। तो ये पांच अलग-अलग तरीके के अन्याय के खिलाफ हम लड़ने निकले हैं, और भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट भी इस यात्रा में है। अब आप कुछ सवाल पूछना चाहें, जरूर पूछिए। हाँ रवि, नहीं क्या बोला? कुछ लोग मतलब राहुल गांधी। देखिए, सवाल सबके सामने है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है, और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं, दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराए ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे, सॉरी मामला हल हो जाएगा। सॉरी, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। हाँ सॉरी गुड आफ्टरनून stakeholders united, some of your alliance partners is not ready to move an inch, especially from the recent stance, if I specify Mamata Banerjee. So what is your take on this? No, that's actually not true. If you look at Mamata ji's statements, Mamata ji is very much part of the India alliance, and most of the other members who are part of the India alliance are still members of the India alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving.
That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not, you know, part of the alliance. Haji, sir. Also, there's a negotiation going on. There are seat. There is a conversation about seat. These are negotiations. So there is posturing, and that is normal. And sir, if your party, gets a maximum number. Sorry. You've asked the question. Thank you. ये आप लोकल आंसर कीजिए. लोकल क्वेश्चन है. लोकल आप बोलिए. देखिए, इशू आज जो हम लोग न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं उसका क्लियर है. ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्टेट लेवल पे होनी चाहिए. या आप एक तरफ कहते हैं कि इनको भी रख लेना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं, हम पहले से हैं और नया नहीं होना चाहिए. तो उन दोनों का सामंजस्य बिठाने का काम चल रहा है. उस पर हम लोगों ने एक रहता हूँ और उन्होंने आदिवासियों के साथ जमीन के साथ किया. वो सारे के सारे आदिवासी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय किया था उन लोगों ने. थैंक यू भैया. एक मिनट. वो उन्होंने आपका जवाब दे दिया. राहुल जी, आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने निकले हैं. आपके तेलंगाना के सीएम कहते हैं कि बिहार और झारखंड के लोग उनको इमिलेट करते हैं कि ये लेबर के डीएनए से आते हैं, उनका डीएनए में लेबर होना. तो किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए किसी खास को नाराज करना, और जब भारत एक हो उसमें ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी करके बात करना, यूनाइट करके बात नहीं करना, लगता है वैसे वाकई में भारत जुड़ेगा, मजबूत होगा? वैसे ही जुड़ेगा, क्योंकि देखिए सवाल न्याय का है. जैसे मैंने पहले बोला, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान के टॉप 200 कॉर्पोरेट कंपनीज में मुझे बता दीजिए, ओबीसी मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए. आप अदानी का नाम सुने हैं, टाटा का नाम सुने हैं, बिरला का नाम सुने हैं, मुझे एक नाम बता दो, ओबीसी नाम मुझे एक बता दो. बोलो ना. नहीं नहीं बोलो. नहीं नहीं आप बोलो पहले. आपके मीडिया हाउसेस हैं, एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो. बोलो. नहीं 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 सवाल ये नहीं है. सवाल वो उसका भी मैं. नहीं नहीं सुनिए, बात सुनिए ना. आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं. सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है. कॉरपोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए, उसमें से आप उनके सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो. आप नहीं दे. क्यों? क्योंकि वहां मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे. प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे. दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं, उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं. 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं. आबादी 50% है. तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप क्या कह रहे हो और बीजेपी क्या कह रही है? अन्याय होना चाहिए. ओबीसी वर्ग का जो हक है उसको मिलना नहीं चाहिए. दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है, उसका हक नहीं मिलना चाहिए. कैसे जुड़ेगा भारत? इसीलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है. अन्याय के भारत में भारत जुड़ ही नहीं सकता. अब मैंने आपसे पूछा, 200 कॉर्पोरेट्स हैं, आप मुझे एक नाम नहीं बता पा रहे. मैंने आपसे पूछा, भैया ठीक है आप कॉर्पोरेट का शायद जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में मुझे एक नाम दे दो.
अच्छा छोड़ो, आप रिपोर्टर्स में से मुझे दिखा दो आदिवासी कौन है, हाथ उठाओ ना, कहां है आप, यहां मुझे दलित दिखा दो। हाँ एक है, सैंपल सैंपल रख रखा है कोने में। तो देखिए, देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है, और सबसे बड़ा अन्याय दलित आदिवासी पिछड़ों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए मैं इसको रख रहा हूं, और इसीलिए मैं जाति जनगणना के लिए लड़ रहा हूं, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, प्रधानमंत्री जो भी कहे। What is the video that went viral? No, what do you mean is a dog owner? I didn't understand. So you were doing a road show. Yes. Yes. Where one dog owner came to meet the dog. Yes. I called the dog and the owner, he came. Yes, so you tried to beat the dog with a stick after the you handed it over to the dog. Oh yeah. Because wo bilkul ghabraya hua tha. Kahan par tha? Aur maine jab usko biscuit diya, wo तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपसे आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? नो, वेयर इज योर कांग्रेस कार्यकर्ता? वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे। फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। नहीं सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? जी, 4 दिनों तक झारखंड की यात्रा रही, इस दौरान आपने कोयला मजदूरों से मुलाकात की, बुनकरों से संवाद किया है, क्या लगता है झारखंड में किन बदलाव की जरूरत है? दूसरा सवाल, कल्पना सोरेन से कल आपकी मुलाकात, क्या बातचीत रही, क्या होगी? ये देखिए, जो कल्पना जी के साथ बातचीत हुई वो तो मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा, वो तो कॉन्फिडेंशियल बातचीत हुई है। ये कहूँगा कि जो उनके पति के साथ किया जा रहा है वो अन्याय है, वो ठीक नहीं है। यात्रा में हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, आदिवासियों से मिले हैं, गरीब लोगों से मिले हैं, और बहुत सारा इनपुट हमने लिया है। और मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 मुद्दों पर चीफ मिनिस्टर से मैं बात करूं और उनको अप्राइज करूं कि हमें लगता है कि इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। ज़मीन का मामला है, सरना कोर्ट का मामला है, तो ऐसे काफ़ी मामले हैं। हाँ जी सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ओबीसी दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाया, लेकिन एक सवाल है मेरा, आप जिस 10-10 साल वाले सरकार में थे उस समय ना जाति जनगणना की बात हो रही थी, ये आपको किसने बताया? आप फैक्ट्स चेक करके आओ भैया, हमने जाति जनगणना किया है, आप अपने फैक्ट्स ही नहीं जानते। नहीं नहीं, हमने कास्ट सर्वे किया, उसके हमने आंकड़े निकाले, कोएलिशन में हमारा डिस्कशन हुआ, और कोएलिशन में वो डिस्कशन में डिसाइड हुआ कि उसको रिलीज नहीं करना है। मैंने पब्लिकली कहा है कि एक्चुअली हमें उस टाइम रिलीज कर देना चाहिए था। वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहाँ भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम इसको ख़त्म कर देंगे, और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें 2 चीजें हैं, और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है।
और सबसे जरूरी बात कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। नोटबंदी ने, जीएसटी ने इन लोगों को खत्म कर दिया है, तो जो रोजगार क्रिएट करते थे, जो देश को रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अदानी जी ने नोटबंदी जीएसटी लागू करके उनको खत्म कर दिया है। तो हम एक सेकंड, तो हम सबसे पहले जीएसटी को बदलेंगे, ठीक है? नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, तो जीएसटी को बदलेंगे। उसके बाद हम एक नया फाइनेंशियल प्लान स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए लागू करेंगे, और उसमें हम, हमारा फोकस होगा कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, गरीब लोगों को फुल बेनिफिट मिले। हाँ जी, एक मिनट। हमारी, देखिए मैं यात्रा में हूँ, हमारी अगर आप ईवीएम पे पोजीशन समझना चाहते हैं, हमारे पास, हमने पब्लिकली डिक्लेयर कर रखी है, जयराम जी आपको, आपको उसका एक कागज दे देंगे। हाँ जी, पीछे पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑपोजिशन पर आक्रमण कर रही है, इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है, जबरदस्त तरीके से मिसयूज हो रहा है, ये रियलिटी है आज की पॉलिटिक्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने यहाँ कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमने रोक दिया, तो हम लड़ते रहेंगे। मगर यह सच्चाई है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, इन सब का मिसयूज हो रहा है, पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। हाँ जी, आखिरी दो सवाल, जो हो गया आखिरी दो सवाल, आपने सामाजिक न्याय के तहत पांच के न्याय की बात की, मैं आपके सरकार द्वारा एक कानून बनाया हुआ था वन अधिकार, झारखंड से बिल्कुल, लेकिन वन अधिकार कानून लागू करने वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, और काफी सारे लोग को जो आदिवासी वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी हैं, उसका वन पट्टा ऐसे ही, देखिए ये कहीं डंप हो, इसके बारे में काफी बातचीत हुई है यात्रा में। ये कहना कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये गलत है। ज़रूर थोड़ी कमियां हैं, उनको ठीक किया जा सकता है और उनको हम ठीक कर देंगे। फर्क समझिए, जो गरीब था, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, वो पिछली सरकार को एंटी दलित, एंटी आदिवासी मानते हैं। आज एंटी दलित, एंटी आदिवासी सरकार नहीं है। जमीन का मामला जरूरी मामला है, और आपने जो पॉइंट उठाया है, मैं भी ये पॉइंट चीफ मिनिस्टर के साथ उठाऊंगा। आखिरी सवाल, एक हो गया, एक पत्र भैया, आप ऐसे करिए ना, पहले आप मेरा जवाब दीजिए ना, आप दो पूछ रहे हो, आपने एक पूछा, मैंने एक पूछा, ठीक। सॉरी, क्या आपको ये किसने कहा? जिम्मेदार कौन है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है, इंडिपेंडेंस के पहले से चल रहा है, और इस प्रोसेस के सबसे बड़े कदम कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। आजादी के लिए हम लड़े, हरी क्रांति हमने दी, सफेद क्रांति हमने दी, एजुकेशन सिस्टम हमने लागू किया, जनता के साथ मिलकर टेलीकॉम रेवोल्यूशन हमने किया,
तो अब हमने एक नई कमी देखी है, उस कमी को हमने एक्सेप्ट किया है, उसको हम बदलना चाहते हैं, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि देश में पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अब हम इसको ठीक करेंगे। जाति जनगणना पहला कदम है, ये मत सोचिए कि ये लास्ट कदम है, ये पहला क्रांतिकारी कदम है, इसके बाद काम शुरू होगा। इस कदम से देश को पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी है, गिनती हो जाएगी, जैसे मैंने कहा देश का एक्सरे हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा, ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मीडिया में तो हमारा कोई आदमी नहीं है, एक भी नहीं है, कॉर्पोरेट में हमारा एक भी आदमी नहीं है, हिंदुस्तान सरकार में हमारा एक आदमी नहीं है, और हमारी आबादी है 50%, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद काम शुरू होगा, उसके बाद मजा शुरू होगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।